यह बात पर सूचना प्राप्त थी कि एक व्यक्ति ने एक नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र 8 वर्ष है उसके साथ बलात्कार किया है। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जब विवेचना प्रारंभ की गई तो ज्ञात हुआ कि मुकदमे के वादी ये खाड़ी देश में नौकरी करते हैं और अपने विदेश रहने के दौरान उन्होंने अपने परिवार के देखरेख की जिम्मा अपने एक परिचित मोहम्मद आब्दीन और उनके भाई मोहम्मद अरशद जो एक शिक्षण संस्थान में पढ़ाते हैं उनको दिया था। इसी मध्य मोहम्मद आब्दीन का अवैध संबंध इनकी पत्नी से हो गया और इनकी पत्नी भी उसी शिक्षण संस्थान में जो थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में स्थित है उसमें उनके साथ रहने लगी। उसी आवास में मोहम्मद आब्दीन और अरशद ने पीड़िता की मां की जानकारी में रहते हुए भी उनकी मिलीभगत से उनकी बच्ची के साथ बलात्कार किया। दो अभियुक्त मोहम्मद आब्दीन और पीड़िता की मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक अभियुक्त मोहम्मद अरशद की तलाश की जा रही है, जल्दी ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।